तो मेरे हिसाब से एक ये जी ये बताएं क्या ये कामोरे प्योरिटी में जी ये है दांतों में ये चार दांत में है चार दांत बिल्कुल जी ये कामोरी ब्रीड है जी बिल्कुल ये कामोरी ब्रीड है और ये जो क्वालिटियाँ हैं ये गुलाबियों की क्वालिटियाँ हैं बच्चों के अंदर चलो लाजमी कहें ठीक है क्योंकि माशाल्लाह कहने से नज़र का असर जो है वो थोड़ा कम हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट एक बार फिर से एक सेटअप पर आए हैं आपको एक सेटअप का विज़िट करवाएंगे यहाँ पर गोट्स होते हैं यहाँ के ऑनर से मुलाकात करेंगे उनसे मालूमात लेंगे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे और देखेंगे इनके पास कौन कौन सी वैराइटीज़ से गोट मौजूद है इस वक्त इनके फॉर्म पर आइए ऑनर की तरफ चलते हैं उनसे बात करते हैं आज बड़ी दूर का सफर तय कर आए बल्तिया टाउन में आए सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपना इंट्रोड्यूस करा दें अपना नाम बता दें फिर ये भी बता दें आपने फॉर्म किस नाम से खुला हुआ है और यहाँ पर आपका किन किन बकरियों में इंटरेस्ट है आपने कौन कौन सी बकरियाँ रखी हैं आपका तजर्बा कितना है ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स को और नाम मेरा साजिद महमूद है और रिहाइश हमारी यहाँ मुशरफ कॉलोनी के अंदर है गोट का नाम है मकबूल गोट फार्म के नाम से है और बकरियों में हमारे पास जो है ना तकरीबन हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि बकरियाँ खाली परचेज़ करके ब्रीडर्स हमारे पास क्वालिटी वाले हैं नस्ली हैं अपने पॉइंट्स में पूरे हैं तो लोगों की जो डिमांड होती है झालर लंबे कान जिस्म अच्छा हो सीना अच्छा हो चेहरा उसका खूबसूरत हो उस मुनासिबत से ब्रीडर्स हमने अपने पास रखे हुए हैं बकरियां उन्हीं की मुनासिबत से हम जो है ना उसी की टक्कर की नस्ल को देते हुए उसमें जो है ना पासे भी आ जाती हैं गुलाबी पासे कामोरी है हमारे पास तकरीबन हमने उस हिसाब से अपने पास जो है ना बकरियां रखी हुई हैं बकरे रखे हुए हैं ताकि वो रीज़नेबल लोग जो है ना मतलब मिडिल क्लास बंदा भी जो है ना उसको परचेज़ कर सके उसको भी इतना ज़्यादा महंगा ना लगे अमूमन और देखिए जब हम एक डिजिटल मीडिया के ऊपर आते हैं तो फिर तो हमारी मार्केट तो फिर उसका तो कुछ है ही नहीं वो तो ओवरसीज़ हमारी मार्केट चली गई क्योंकि यूट्यूब पर तो फिर ओवरसीज़ भी है और पाकिस्तान में तो फिर सारे लोग उसको देख रहे हैं तो अगर पाकिस्तान में कराची को छोड़ के अगर कोई बंदा परचेजिंग काम से कुछ करता है तो हम उसको फिर जो है ना वो डिलीवरी भी उसको करवा कर देंगे कार्गो सर्विस जिसे हम कहते हैं तो माल हमारा टोटल वैक्सीनेटेड होता है ठीक है वैक्सीन जो अभी जो जैसे ईटीवी का जो है अभी जो मंथ है ईटीवी का चल रहा है ठीक है पीपीआर जो है वो पीछे गुजर चुका है तो पीपीआर की भी इनकी हो चुकी है ईटीवी की हम अभी इन्हें करेंगे क्योंकि उससे पहले हम कुछ और मज़ीद थोड़ी सी छोटी वैक्सीन होती हैं वो इन्हें करते हैं चलें स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स को आपका सेटअप दिखाते हैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं जी साजिद साहब ये बताएं कौन सी नस्ल का गोट दिखाना है व्यूअर्स को ये बेसिकली ब्रीड आती है पासों के अंदर ठीक है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसके कानों की लंबाई और माशाल्लाह से हाइटेड बकरी है और इसकी माशाल्लाह से आप जिसामत देख सकते हैं किस तरीके की इसकी जिसामत है चेहरे में देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से एक ये मीडियम क्वालिटी की जो है ना लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये बकरी गब्बन होकर अपने जोबन में आएगी तकरीबन जब 4 से 5 महीने में तो ये माशाल्लाह से बकरी जो है देखने लायक बकरी होगी अच्छा अभी ये कितने दांतों में अभी तकरीबन ये 4 दांतों में माशाल्लाह हो चुकी है और अभी बस इसकी हम हीट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हीट पे आएगी जैसे ही फिर हम इसको जो है ना अपने ब्रीडर से इसको क्रॉस करवाएंगे अच्छा नस्ल कौन सी बताई आपने ये डबल पासों के अंदर है ये नस्ल डबल पासों में प्योर है बिल्कुल ये प्योर तो नहीं कहूँगा लेकिन ये थोड़ा सा कामोरी इसके अंदर ब्लड है कामोरी क्रॉस है जी कामोरी क्रॉस ब्लड है इसके अंदर क्योंकि इसके खुर काले हैं और सींग भी इसके काले हैं अच्छा इसकी प्राइस कितनी है इसकी प्राइस जो हम इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 40,000 रुपये लेकिन अगर कोई सीरियस बायर हमसे अगर कोई रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह उसको हम हेल्दी डिस्काउंट देंगे उसके ऊपर वो देख सकते हैं व्यूअर्स आप लोग वहाँ पे सामने पहाड़ी पे भी लोग एंजॉय कर रहे हैं बल्दिया टाउन के अंदर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर पहाड़ी नज़र आ रही है और ऊपर मेरे ख्याल से एक रोड है यहाँ पर लोग आके एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ का बिल्कुल एक साफ लुक नज़र आ रहा है यहाँ से जी इसके बारे में बताएं कौन सी गोट है ये कामोरी क्रॉस में बकरी है बेसिकली नवाब शाह में आती है बकरी ठीक है माशाल्लाह से हाइटेड बकरी है और सेहत में भी आपके सामने माशाल्लाह से साफ़ सुथरी है ठीक है दांतों में कितनी है दांतों में ये भी 4 है ठीक है 4 दांत में जी बिल्कुल 4 दांत में है ये और ये हमारे ब्रीडर से क्रॉस हो चुकी है अच्छा ये बताएं कि ये कितने टाइम के बाद ब्रीड देगी
ये जो बच्चा देगी ये तकरीबन अब ये जैसे मिसाल के तौर पे दिसंबर है और दिसंबर की आखिरी डेट्स के अंदर ये लगी है, तो हम अगर इसको 6 मंथ में अगर इसको ऐड करते हैं तो तकरीबन मेरे हिसाब से जून के मंथ में जो है ना इंशाल्लाह ये बच्चा देगी इंशाल्लाह। जून कितने महीने का इसमें टाइम पीरियड? 6 महीने का टाइम पीरियड होता है इसमें बकरी का। अच्छा, ये सबका तकरीबन टाइम ड्यूरेशन जो होता है 6 मंथ होता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं इसकी भी हम डिमांड 40,000 कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियस बायर हमसे रابطہ करेगा तो इंशाल्लाह इनको जो है ना हेल्दी डिस्काउंट देंगे हम, ठीक है। और कार्गो सर्विस तो हम कह ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कौन सी बकरी दिखाना? नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे माशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत है जी। इस ब्रीड के बारे में बताएं, कौन सी नस्ल की ब्रीड है? ये बेसिकली कामोरी ब्रीड है, लेकिन ये क्रॉस के अंदर है, कामोरी क्रॉस में ब्रीड है, माशाल्लाह से हाइटेड ब्रीड है। देखें हाइटेड इसका कद है और दांतों में ये भी तकरीबन 4 ही है, और ये भी हमारे ब्रीडर से जो है ना लग चुकी है, ठीक है, और इसको लगे हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, इसका भी टाइम ड्यूरेशन उतना ही होगा, 6 मंथ। जून के अंदर ये बच्चा देगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह दांतों में 4 दांत में, 4 दांत के अंदर है ये। अच्छा, ये कामोरी प्योर में ये क्रॉस है? ये क्रॉस है। किसके साथ क्रॉस है ये? कामोरी क्रॉस हो सकता है ये देसियों में से हो या किसी गुलाबी से हुआ हो या नवाब शाह की नस्ल से हुआ हो, क्योंकि बेसिकली अगर कामोरियों को अगर देखा जाए तो उनका गर्दन का पूरा पट्टा जो है ना वो ब्लैक होता है, ब्राउन में आता है, लेकिन इसमें जो है ना पासा टाइप का शेड है, कि एक चश्मा ब्रीड भी अक्सर लोग जो है ना इसे कहते हैं कि भाई एक काला यहाँ से और एक काला यहाँ से, चश्मा ब्रीड अलग अलग लोगों ने अपने अपने नाम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसकी प्राइस बताना? इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं 35,000 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है, और कार्गो का तो हम कह ही चुके हैं कि, और हाँ इसके अंदर अगर प्राइस में कमी पेशी हम लाजमी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बाटा रेट है, नहीं बिल्कुल हम उसे डिस्काउंट करेंगे, कम करेंगे। अच्छा, वेट बता दीजिएगा इसका? वेट मेरे हिसाब से तकरीबन इसका जो होगा तकरीबन 35 किलो एवरेज होगा मेरे हिसाब से। 35 किलो उसका एवरेज? लाइफ का वेट बता रहे हैं? लाइफ का वेट बता रहा हूँ, 35 kg इसका है। 35 kg होगा अंदाजन, 35 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, इसके बीच में ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह की फजल। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी दिखाना? नेक्स्ट में मैं आपको बकरी दिखाऊंगा एक और जी। ये बताएं क्या ये कामोरी प्योरिटी में? जी ये कामोरी अभी जो बकरी आई है आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है, कामोरी बकरी है, और ये बकरी भी जो है 4 दांत की है। ये माशाल्लाह से आप कान इसके लंबाई में देख सकते हैं, इसके कानों की लंबाई, अमूमन ज़्यादातर लोगों की डिमांड लंबे कान होते हैं, और ये लंबे कान में माशाल्लाह से, और ये आपके सामने इसकी जिसामत देख सकते हैं, हाइटेड माशाल्लाह से बकरी है और जवान बकरी है बिल्कुल माशाल्लाह से। 2 दांत में? नहीं, ये 4 दांत में है और ये क्रॉस हो चुकी है हमारे ब्रीडर से, और इसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट है, वो ये है कि इसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा जो है ना टिल्ट टेढ़ा है, मतलब ये देखें थोड़ा सा क्रॉस में ये टेढ़ा है, बाकी माशाल्लाह से बकरी अपनी नस्ल में जो है, अगर कोई ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ले रहा है तो माशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका जो बच्चा आएगा वो बहुत माशाल्लाह से अपनी नस्ल में पूरा होगा। अच्छा, आपने इसको प्योर कामोरी से क्रॉस करवाया, कौन सी ब्रीड से करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो ब्रीड है चश्मा ब्रीड है उसका कामोरियों में से है, और वो ब्रीडर भी आप देख लीजिएगा वो ब्रीडर कैसा है, वो ब्रीडर भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। इसकी डिमांड बता दें व्यूवर्स को? इसकी डिमांड भी हम 35,000 कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही कहूँगा कि कमी पेशी लाजमी हम इसमें रखेंगे, और जितना जायज़ डिस्काउंट हमें दे सके हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कौन से दिखाना है? नेक्स्ट में भी मैं आपको एक और इसकी कामोरियों में से एक नस्ल है वो दिखाता हूँ मैं जी। इसके बारे में बताएं, आपने कहा था कामोरी ब्रीड दिखाना है, ये कामोरी प्योर है या क्रॉस में? ये कामोरी भी मैं कहूँगा कि ये क्रॉस में ही है, और ये मोनी है, बग़ैर सिंगों वाली नस्ल है ये, और इसमें जो है ये मेरे पास पहले से ही लगी हुई आई है, और क्योंकि मैं इसमें लगी हुई इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो पेट अभी बना हुआ है ना, ये अभी हीट पे आ रही है, और पेट की इसकी माशाल्लाह से गोलाई ऐसे जैसे तकरीबन ये 2.5 महीने की गब्बन हो, तो इस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ताज़ा ताज़ा लगी है, क्योंकि अक्सर अमूमन क्या होता है लोग अपने पास ब्रीडर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मंडी से माल लाकर बकरी लाकर और कहते हैं कि भाई ये 2 महीने से हमारे बकरे से ये लगी हुई है, अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते, और हम अपने जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल झूठ नहीं कहेंगे कि जो लगी हुई है ब्रीडर से वो हम बता कर देंगे, जो पहले से लगी हुई आई है उसका भी हम बता कर दिए पहले से लगी हुई है, और अभी इंशाल्लाह इसका जो है ना एक महीने में मज़ीद इसका पता चले, लेकिन अभी तक जो इसकी जो शेप बता रही है ये बकरी पहले से लगी हुई है। अच्छा, दांतों में कितनी है? दांतों में तकरीबन ये 6 है। 6 दांत में? जी बिल्कुल, 6 दांत में है ये, ठीक है, और इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं 35,000 रुपये इसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी माशाल्लाह से कानों में आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह से हाइटेड बकरी है, ठीक है, और जो डिस्काउंट हो सका वो करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी दिखाना है? नेक्स्ट में मैं आपको एक और बकरी दिखाता हूँ जी, इसके बारे में बताएं। ये भी माशाल्लाह से कामोरी जो है ना, क्रॉस में सामने आपके ये बकरी है माशाल्लाह से, और ये भी बिल्कुल माशाल्लाह जवान बकरी है। मुझे लग रहा है दो दांत में, हाइट में थोड़ी छोटी है। ये हाइट में नॉर्मल ही है, छोटी अभी आपके सामने आएगी, वो फ़र्क पता चल जाएगा कि छोटी हाइट क्या है। और ये माशाल्लाह से नॉर्मल हाइट में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, दांतों में कितनी है? दांतों में तकरीबन ये चार है अंदाजन जी, बिल्कुल। और कानों में माशाल्लाह से नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इतने लंबे कान नहीं है इसके। और ये पहली दफ़ा जो है ना ये गबन हुई होगी, अभी तो माशाल्लाह से क्रॉस हो चुकी है ये, और पहली दफ़ा ये बच्चे देगी, ठीक है। इससे पहले इसने बच्चे नहीं दिए हैं जी। ये बताएं, क्या ये कामोरी के साथ क्रॉस है या आपने इसको गुलाबी के साथ क्रॉस किया? नहीं नहीं, इसे हमने, हमारा जो ब्रीडर है कामोरी ब्रीडर, हमने उससे इसको क्रॉस करवाया है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इसका रिज़ल्ट उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, इसकी डिमांड भी बता दें व्यूवर्स को। इसकी डिमांड जो मैं कर रहा हूँ, इसकी भी डिमांड मैं 35,000 ही कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल डिस्काउंट हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, और जितना हो सका आपके तवसुत से जो व्यूवर हमसे रابطہ करेगा उसको जो है हम अच्छा डिस्काउंट देंगे, अच्छी प्राइस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी दिखाना है व्यूवर्स? नेक्स्ट में मैं आपको एक और दिखाता हूँ। माशाल्लाह, इसके बारे में बताइए। माशाल्लाह, ये बकरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे है। ये पटेरी नस्ल में से, पतीली भी अक्सर कहते हैं, अक्सर लोग पटेरी भी कहते हैं, तो ये उस नस्ल में से, और कानों में माशाल्लाह से नॉर्मल है, और इसके थन देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयारी पे है। और बेसिकली लोग पीछे से चड्डा भी दिखाते हैं, तो वो मुनासिब नहीं होगा वो अभी फ़िलहाल तो। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने टाइम के बाद ब्रीड कर देगी? ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा है, ये इसी आने वाले अपकमिंग मंथ के अंदर जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो है ये, क्योंकि ये जब ये मैंने परचेज़ की मंगवाई थी, मंडी से आई थी, मैं वहाँ सिंध से आई थी, तो ये पहले से ही लगी हुई थी। अच्छा, आपने लिए तो लगी हुई लिया, यानी इसके बारे में पता नहीं है किसके साथ क्रॉस है? नहीं नहीं, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन रेवड़ जो घूम रहे होते हैं अक्सर गोठों के अंदर, तो उसके अंदर ब्रीडर भी उसी नस्ल का ही होता है। अच्छा, दांतों में कितनी है? दांतों में ये चार दांत में है। चार दांत में? बिल्कुल चार दांत में है। प्राइस भी बता दें इसकी भी। इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं, इसकी 35,000 रुपये हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बायर इस हमसे परचेज़ करना चाहेगा, तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रखेंगे प्राइस में, मतलब 1,000-2,000 का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल तैयारी पे। और बच्चा आ जाएगा, तो जब बच्चा बकरी के साथ आ जाता है, तो डिमांड आपको पता है कि फिर बच्चा अलग से काउंट होता है, तो उसके लिए फिर जो है इसके अंदर इतना डिस्काउंट नहीं हो सकेगा, लेकिन जितना हो सकेगा उतना गुंजाइश बनाकर इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, अब क्या दिखाना है व्यूवर्स को? अब मैं आपको एक और बकरी दिखाता हूँ जी। ये बताएं, क्या ये वो छोटी बकरी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये वही छोटी, अब आपको साइज़ में फ़र्क पता चल गया होगा। और इसमें रीज़न ये होता है कि लोग क्या करते हैं, कि लोगों का मानना ये है कि वो कहते हैं कि दो दांत की बकरी लाजमी होनी चाहिए, तो दो दांत में बकरी, दो दांत में बकरी लगवाने का ये होता है कि बकरी का कद रुक जाता है, वो अपनी ग्रोथ थोड़ी, लेकिन ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन टाइम और अपनी जैसे डाइट। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर दो दांत में बकरी को क्रॉस करवाते हैं तो वो कद रोक लेती है? बिल्कुल, वो अपना कद रोक लेगी, अपनी जिसामत को रोक लेगी, वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो उसे बनना चाहिए। अमूमी तौर पर जितने भी जो बड़े गोट फार्मर्स हैं, वो चार दांत से लेकर छः दांत को प्रेफर करते हैं, दो दांत को नॉर्मली लोग जो बड़े फार्मर्स हैं वो नहीं लगवाते हैं, वो रीज़न ही यही है कि बकरी जो है वो अपनी ग्रोथ रोक लेती है। अच्छा, यानी आपका मानना ये है, आपका कहना ये है कि छः दांत में और चार दांत के अंदर बकरी मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती है, अपने साइज और ग्रोथ में आ जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद उसको क्रॉस करवाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और लाजमी सी बात है कि आप जैसा खिलाएंगे तो बकरी फिर वैसा ही आपको अपना आप दिखाएगी। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की बकरी है? ये पटेरी नस्लों में से आती है, पतीली या पटेरी, ठीक है। अमूमी तौर पर फिर लोग गलतियाँ भी निकालना शुरू कर देते हैं कि देखो मौलाना साहब ने जो है ना ये गलत लफ्ज़ कह दिया। तो इसकी डिमांड बता दें। इसकी डिमांड जो हम डिमांड कर रहे हैं, इसकी 30,000 रुपये कर रहे हैं, और ये 2 महीने की लगी हुई है हमारे ब्रीडर से। अच्छा, ये भी चार दांत में? ये दो दांत के अंदर है। ये दो दांत के अंदर? ये दो दांत के अंदर है, वो शुरू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दो दांत चार दांत का, तो ये दो दांत की है, और ये दो दांत में हमारे ही ब्रीडर से क्रॉस हुई है। क्रॉस हुई है जी बिल्कुल जी। ये कामोरी ब्रीड है? जी बिल्कुल, ये कामोरी ब्रीड है, और माशाल्लाह से जवान बकरी है, लेकिन ये चार दांत में है, और ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी, इससे पहले इसने बच्चा नहीं दिया है, और ये पहले से ही लगी हुई आई है, ये हमारे ब्रीडर से क्रॉस नहीं हुई है। अच्छा, ये बताएं दांतों में कितनी है? दांतों में चार है ये। चार दांत में है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्राइस मेंशन करें। प्राइस हम इसकी 25,000 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा ही डिस्काउंट होगा, कोई इतना मजीद डिस्काउंट नहीं होगा, और लेकिन जितना कोऑपरेट कर सके आपकी ऑडियंस से, वो इंशाल्लाह हम कोऑपरेट करेंगे।
जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बकरी है और उसके दो बच्चे हैं शायद। जी बिल्कुल, ये टेडियों में से बेसिकली देसियों में से है ये, और इसके साथ जो बच्चे हैं वो कोई गुलाबी टेडा इसके साथ क्रॉस हुआ, क्योंकि इनके कान आप देख सकते हैं पिंक कान हैं, पिंक नोज़ हैं और खुर भी इनके पिंक हैं। और ये जो क्वालिटियाँ हैं ये गुलाबियों की क्वालिटियाँ हैं बच्चों के अंदर। बकरी आधा किलो दूध दे रही है अभी, जो कि बच्चे ही पूरा कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे राजनपुरी ब्रीडर है, उससे ये क्रॉस हो चुकी है। इसके साथ दो बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, अच्छा एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल मतलब बच्चों की एज कितनी है अभी? बच्चों की एज तकरीबन 2 महीने हो चुकी है, 2 महीने से ऊपर ही कहूँगा, 2 महीने। अच्छा ये बताएं कि अगर आप ये सेल आउट करेंगे बकरी तो बच्चों के साथ करेंगे या अलग? बिल्कुल बच्चों के साथ करेंगे। देखें हम इतने जालिम तो हैं नहीं कि बच्चे बिल्कुल अभी मासूम हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए माँ को बच्चों से अलग कर देते हैं। तो ये 2-3 दिन तो चिल्लाएगी, उसके बाद तो ये खामोश हो जाएगी, लेकिन वो तो पैसे लेकर व्यापारी अपने साइड पर हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ देंगे। ठीक है, और बच्चों के साथ ये 35,000 रुपये की हम जो है ना इसकी प्राइस डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, दांतों में ये 6 है और सेहत आप इसकी देख सकते हैं माशाल्लाह से, और वैक्सीनेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे तमाम जानवर ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड ही होते हैं, और माशाल्लाह से नस्ल में आपके सामने है और साइज़ कद इसका। ये बताएं नेक्स्ट में आप क्या दिखाने भी? नेक्स्ट में हम आपको जो है ना अपना एक ब्रीडर दिखाएँगे, उसके बाद फिर एक और ब्रीडर दिखाएँगे। ठीक है, ये ब्रीडर बकरा जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये कामोरी ब्रीडर है और दांतों में 4 है ये। वज़न में तकरीबन जो लाइव है इसका वज़न माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 40 से 45 केजी में इसका वेट है। अच्छा, लाइव 40 से 45 केजी के दरमियान इसका वेट लाइव वेट है, और माशाल्लाह से 4 दांत में, सेहत में आपके सामने, क्वालिटी में आपके सामने। कामोरी है प्योर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कामोरियों में से है। ठीक है, और अभी तक जो है कुछ बकरियां हमने इससे क्रॉस करवाई हैं, कुछ बकरियां जो है हमने अपने इससे, एक बड़ा ब्रीडर है हमारे पास, हमने उससे क्रॉस करवाई हैं। अच्छा ये फॉर सेल? जी जी ये बिल्कुल फॉर सेल है। इसकी डिमांड बता दें? इसकी हम जो डिमांड कर रहे हैं वो 60,000 कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस बायर हमसे रابطہ करेगा तो इंशाल्लाह आपके चैनल के तवस्सुत से या रेफरेंस से कोई हमसे रابطہ करेगा, इंशाल्लाह उसको हेल्दी डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट में वो वाला ब्रीडर भी दिखाते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी ये एक और ब्रीडर मेल है। जी सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जानवर देखें सबसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहें। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह कहने से नज़र का असर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये माशाल्लाह ब्रीडर आपके सामने है, क्वालिटी इसकी, कान इसका, नकोड़ा इसकी, झालर, ये झालर वो वाली झालर नहीं बनाई है हमने जो रस्सी लोग अमूमन जो है टाइट करके वो झालर ज़बरदस्ती की बनाते हैं, ये कुदरती झालर है इसकी। दांतों में तकरीबन जो है पूरा है, और वज़न में तकरीबन जो है 2.5 मन से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर नीचे है दाएं बाएं। दांतों में 6 दांत से ऊपर है? जी तकरीबन। अच्छा ये बताएं ये कितने का है इसकी डिमांड? इसकी जो हम डिमांड इसकी हमने रखी है वो 1,00,000 रुपये रखी है, लेकिन अगर कोई सीरियस बायर हमसे रابطہ करेगा, अभी जो ये ब्रीडर और जो इससे पहला वाला जो ब्रीडर हमने दिखाया है, अगर कोई शख्स उसको कुर्बानी के लिए, भराई के लिए तैयार करना चाहता है, तो इससे पहला वाला जो ब्रीडर था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है उन भाइयों के लिए जिनको शौक़ है बकरे खसी करवा कर भराई के लिए। और इनकी अगर आप झालर आगे की खींचेंगे सीने की तो उसमें काफ़ी जगह है, उसमें अभी भराई की बहुत जगह मौजूद है। जी जनाब, तो आपके गोश्त तो व्यूवर्स ने देख लिए, मैंने देखा माशाल्लाह अच्छे हैं, क्रॉस ब्रीड दिखाई है आपने, अच्छी ब्रीड दिखाई है, रेट भी आपने अच्छे दिए हैं। तो ये बताएं कि अगर कोई कराची से बाहर आपसे ख़रीदारी करता है तो देने के तरीके कार क्या होंगे? बाई ट्रेन भेजेंगे आप या बाई बस भेजेंगे, क्या तरीके कार होंगे? देखें कराची से बाहर भेजने का जो प्रोसेस है उसमें यह है कि बाई ट्रेन भी जानवर जा सकता है और बाई बस भी जा सकता है। अब वो कस्टमर के ऊपर है कि उसका बजट क्या है, वो ट्रेन अफोर्ड कर सकता है, हम उसे ट्रेन के ज़रिए भिजवा देंगे। वो कहता है कि मुझे बस के ज़रिए भिजवाएं, हम उसे बस के ज़रिए भिजवा देंगे। मतलब हमने तो कस्टमर की उसको फरमाइश को फॉलो करना है, ना कि हम अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोप दें। तो जैसा वो हमें कस्टमर डिमांड करेंगे हम उसी हिसाब से जो है उनको जो है यहाँ से इनको सेंड करने का तरीका जो है वो करेंगे। अच्छा अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूवर्स के साथ। जी कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0300-392-5547, और ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। अच्छा आपकी मसरूफियात वगैरह तो नहीं होती है, ये बताते हैं कॉल की टाइमिंग क्या है ताकि व्यूवर्स आपको कॉल कर लें टाइम? जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक बेहतरीन बात छेड़ दी, इसके लिए मैं 1 मिनट लूँगा। वो ये है कि भाई सबसे पहली बात ये है कि तमाम व्यूवर्स एक रिक्वेस्ट है कि हमने इस वीडियो में जितना हो सका उतनी क्लैरिटी से वीडियो बनाने की कोशिश की है।
अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, वो एक वीडियो देखने के बाद भी कहते हैं कि भाई हमें व्हाट्सएप कर दें वीडियो, ठीक है। तो देखें, हमने पर्पस क्या था ये जमशेद भाई को और आपकी पूरी टीम को तकलीफ देने को, यही था कि भाई एक क्लियर लोगों को जो चीज़ नज़र आ जाए, साफ़ सुथरे तरीके से। प्रोफेशनल लोग हैं आप लोग और आप लोग बेहतर तरीके से, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि चीज़ को डिस्प्ले में कैसे दिखाना है लोगों को। तो उसमें क्या होता है, अमूमी तौर पर फिर कहते हैं कि भाई हमें अलग से वीडियोज़ हो, फिर उसमें मैसेजेस लोग करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मैसेजेस ना करें। जिस भाई को भी परचेज करनी है व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर ले, व्हाट्सएप तो फ्री है आजकल, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके ईशा के 9 बजे तक। अब ऐसा ना हो कि 2:30 बजे मुझे कॉल कर रहे हो रात के और कह रहे हो कि भाई वो कामोरी जो आपकी जो है ना वो बकरी वो कितने की डिमांड है, ऐसा भी ना हो, ठीक है। तो कॉल का ख्याल कीजिएगा, ठीक है, कि 9 बजे के बाद या 10 बजे तक, हद अगर ज़्यादा है तो 11 बजे तक, ठीक है। चलें ठीक है, आज हम आए यहाँ पर आपका गोट सेटअप विज़िट किया, मज़ा आया काफ़ी, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड देखने को मिली, व्यूवर्स भी काफ़ी खुश हुए होंगे, व्यूवर्स को भी काफ़ी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह आप लोगों का, आपकी टीम का। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में आप लोग मंडियों को रिकवर कवर करने जाते हैं वहाँ पर, और किसके लिए, पब्लिक के लिए। तो अल्लाह ताला इसको आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आपको जो है ना जजाया खैर दे और इसका अजर आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिले कि आप लोग हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और मैं तो सैल्यूट करूँगा आप लोगों को कि भाई इतनी ख़तरनाक और डेंजरस सिचुएशन में, जिसको लोग डेंजरस समझ नहीं रहे ना मान रहे हैं, इसमें आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से तो आप लोगों को सैल्यूट, आपको और आपकी टीम को, और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे और आप लोग कामयाब से कामयाब। तो व्यूअर्स ये था साजिश साहब के गोट सेटअप का विजिट। यहाँ पर हमारा टारगेट था कि हम हैनल रूस्टर भी कवर करें, लेकिन यहाँ पर हमें बकरियाँ ज़्यादा देखने को मिली तो ड्यूरेशन बहुत बढ़ गया था, तो हमने सोचा कि ना 2 वीडियो बना लें। तो अगर आप लोग चाहते हैं हैनल रूस्टर की वीडियो भी देखें तो लाजमी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, इनके हैनल रूस्टर सेटअप को भी कवर करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो यहाँ पर गोट सेटअप का जो है वो हमारी वीडियो एंड होती है। यहाँ पर जो भी अच्छी ब्रीड थी वो आपके साथ शेयर करी, जो इनके पास मौजूद थी, जो इनका तजर्बा था आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की मेहनत करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ महफूज रखे, खुश रखे। जज़ाकअल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफिज़।